आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंडियन एयरफोर्स के रिफ्यूलर रिक्वायरमेंट के बारे में। देखिए, ये चीज हम सभी जानते हैं कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से कई बार कोशिश की गई है कि वो कम से कम 6 रिफ्यूलिंग टैंकर्स अक्वायर कर लें, लेकिन हर बार भारतीय वायुसेना की ये कोशिश कभी RFI और कभी RFP स्टेज पर आकर कैंसिल हो गई है। कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में जब DAC की मीटिंग हुई थी तो वहां पर इस रिक्वायरमेंट को लेकर एक एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी दे दी गई है और अभी तक जितने भी प्रोसेस पास में हुए हैं उनकी तुलना में ये सबसे ज्यादा एडवांस स्टेजेस में प्रोक्योरमेंट पहुंच चुका है। थियोरेटिकली यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि अब ये प्रोक्योरमेंट बहुत ज्यादा समय नहीं लेगा और इवेंचुअली भारतीय वायुसेना के लिए ये टैंकर्स अक्वायर कर लिए जाएंगे। देखिए, इस समय भारतीय वायुसेना के पास में 6 टैंकर्स हैं जो रशियन ओरिजिन के टैंकर्स हैं और ये सिस्टम है IL-78 MKI। अब ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है कि रशियन सिस्टम्स के साथ में थोड़ी परेशानियां रहती हैं और जिस तरीके की स्पेयर सप्लाईज रशिया की तरफ से दी जाती हैं उसको कंसीडर करते हुए कहा जा सकता है कि इन सिस्टम्स की अवेलेबिलिटी के ऊपर इश्यूज हैं। वैसे तो अगर आप पेपर पे देखें तो भारतीय वायुसेना के पास में 6 ऐसे सिस्टम्स अवेलेबल हैं, लेकिन किसी भी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पर ये 6 के 6 सिस्टम्स अवेलेबल नहीं होते हैं। इसके अलावा हम लोगों को ये भी पता है कि अब भारतीय वायुसेना के फ्रंट्स भी बढ़ चुके हैं। नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में भारतीय वायुसेना को ज्यादा डिप्लॉयमेंट करनी पड़ रही है और इसी वजह से उनकी रिक्वायरमेंट और ज्यादा बढ़ चुकी है। 6 यूनिट IL-78 MKI के साथ में भारतीय वायुसेना पेपर पे तो डिसेंट दिखती है, लेकिन अवेलेबिलिटी और फ्रंट्स को ध्यान में रखते हुए कहा जा सकता है कि भारतीय वायुसेना की ये रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा अर्जेंट है। भारतीय वायुसेना की पिछली कोशिशों को ध्यान में रखते हुए कहा जा सकता है कि यहाँ पर कम से कम 6 यूनिट टैंकर्स अक्वायर किए जाएंगे। हालांकि DAC की तरफ से जो अप्रूवल दिया गया है वहाँ पर किसी भी तरीके का नंबर मेंशन नहीं किया गया है और इस चीज को ध्यान में रखते हुए कहा जा सकता है कि भारतीय वायुसेना की तरफ से और ज्यादा नंबर में टैंकर अक्वायर किए जा सकते हैं। हालांकि नेचुरली यहाँ पर शुरुआत केवल 6 टैंकर से होगी और उसका फॉलो ऑन ऑर्डर आ सकता है। भारतीय वायुसेना की पिछली कोशिशों के दौरान जो 2 कंटेंडर सबसे ज्यादा स्ट्रांग माने जा रहे थे उसमें से पहला था बोइंग का KC-46 पेगासस और दूसरा एयरबस का A330 MRTT। वैसे तो परफॉर्मेंस के हिसाब से दोनों ही सिस्टम कंपेरेबल हैं, लेकिन एयरबस A330 कंपैरेटिवली थोड़ा ज्यादा पेलोड कैरी कर सकता है, इसकी रेंज थोड़ी ज्यादा है, ये ज्यादा देर हवा में रह सकता है और ये ज्यादा फ्यूल भी कैरी कर सकता है। लेकिन ये जो बेहतर स्पेसिफिकेशन है वो फ्री में नहीं मिलती है। पेगासस की तुलना में MRTT थोड़ा ज्यादा कॉस्टली है। हालांकि पेगासस के पास में बेटर प्रोटेक्शन है, लेकिन फिर चॉइस एग्जैक्टली वहीं पर आकर रुकती है कि क्या आपको वो कंपैरेटिवली बेहतर परफॉर्मेंस के लिए वो एक्स्ट्रा कॉस्ट देना मंजूर है। क्योंकि अगर आप बात करेंगे ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज की तो आपकी सभी ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स ये दोनों के दोनों सिस्टम पूर्ण कर सकते हैं और ओवरऑल यहाँ पर बात आकर रुकती है कि आपकी फाइनल रिक्वायरमेंट क्या है। देखिए, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि जब बात आती है रिफ्यूलिंग टैंकर जैसे प्लेटफॉर्म्स की तो उनकी ओवरऑल एक्विजिशन कॉस्ट ज्यादा होती है। लेकिन पिछले कुछ सालों से भारतीय वायुसेना के साथ में हम लोगों ने एक पैटर्न ऑब्जर्व किया है और आपने देखा होगा कि भारतीय वायुसेना की तरफ से जब ये महंगे प्लेटफॉर्म्स खरीदे जाते हैं तो वो पुराने पैसेंजर एयरक्राफ्ट को मॉडिफाई करके उनको यूज करना ज्यादा पसंद कर रहे हैं, जैसा कि उन लोगों ने Netra-2 के केस में किया है जहां पर एयरबस A321 यूज किए गए हैं, या फिर स्टैंड ऑफ जैमर वाला केस जहां पर एयरबस 319 यूज किया गया है। कुछ समय पहले HAL और इजरायली कंपनी IAI के बीच में एक MOU साइन हुआ था और इस MOU के तहत पुराने पैसेंजर बोइंग 767 एयरक्राफ्ट को यूज करते हुए उनको एयर टू एयर रिफ्यूलर में कन्वर्ट किया जा सकता है और IAI काफी समय से ऐसा कर रही है। प्रैक्टिकली यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर, इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर और इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर DRDO के सिस्टम्स होंगे और ये जो कन्वर्जन प्रोसेस होगा वो HAL करेगा, जहाँ पर IAI से कंसल्टेंसी ली जाएगी। अगर भारतीय वायुसेना की तरफ से ये प्रोसेस चूज किया जाता है तो उनको काफी कम कीमत पर एक बोइंग KC-46 कैटेगरी का एयरक्राफ्ट मिल जाएगा और इन सभी ऑप्शंस को देखते हुए ये सबसे ज्यादा वायबल ऑप्शन लग रहा है। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।